धर्मशाला के पुलिस मैदान में कांगड़ा वैली ग्रीष्मोत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। शुक्रवार से स्टॉल के आवंटन प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला में 2 जून से लेकर 9 जून तक पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें 4 सांस्कृतिक संध्याएं 2 जून से 5 जून तक सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। करीब 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि पुलिस मैदान में करीब 224 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्टॉल का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टॉल 2 जून से लेकर 9 जून तक लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त फूड कॉर्नर अलग से स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भी आवंटन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। डीसी ने कहा कि स्टॉल लगाने के इच्छुक व्यक्ति जिला प्रशासन या तहसीलदार धर्मशाला से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्नर के स्टॉल की कीमत 12,000 जबकि बीच के स्टॉल की कीमत 10,000 निर्धारित की गई है। देखिए, समर फेस्टिवल जो है वो 2 से 9 के बीच में यहाँ कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और इसमें 2 से 5 के बीच में जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, 2, 3, 4, 5 नाइट्स को ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो 224 स्टॉल्स हैं उनका आवंटन किया जा रहा है और इसमें तहसीलदार धर्मशाला को नोडल ऑफिसर लगाया गया है। और इसमें जो हमारी कॉर्नर स्टॉल्स हैं उनका जो रेट निर्धारित किया गया है इन 8 दिनों के लिए वो 12,000 रुपये है और जो नॉन कॉर्नर स्टॉल्स हैं उनका जो रेट निर्धारित किया गया है वो 10,000 है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने समर फेस्टिवल के अंदर अपनी स्टॉल पाना चाहता है तो वो तहसीलदार धर्मशाला के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं और उनको वो स्टॉल जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। और इसी प्रकार बाकी जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो अपना सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे वो अपना कल्चरल नाइट्स को लेके हो, इस बार एक नया प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कांगड़ा आइडल के नाम से। इसमें हमारे जितने भी यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनका एक ऑडिशन 29 और 30 को कैरी आउट किया जा रहा है और उसमें 15 जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 4 तारीख को परफॉर्म करने का जो एक मौका मिलेगा और उसमें 15 जो लोग हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी जूरी द्वारा निकाले जाएंगे और उनको एक जो एक मॉनेटरी प्राइज है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अच्छा ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयास जो है इस पर नया प्रयास ये जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और क्योंकि ये समर फेस्टिवल 10 साल के लगभग अवधि के बाद हो रहा है तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसका एक सक्सेसफुल आयोजन जिला कांगड़ा के अंदर किया जा सके। इसमें एक कल्चरल कमेटी एडीसी की अध्यक्षता में बनाई गई है और जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा लिमिटेड जो पीरियड है 4 दिन हमने कल्चरल नाइट करनी है और जो कांगड़ा आइडल है ये लोकल जो कलाकार हैं उन्हीं के लिए है। तो मैं मानता हूँ कि उनको एक अच्छा मंच मिलेगा अपनी जो प्रतिभा को दिखाने के लिए और लोगों को भी यहाँ पे उसका लुत्फ उठाने का जो है वो अपना मौका मिलेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरे प्यारे बालो फिर से उग आओ सालो तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं। कल तो करा था, आज क्या हो गया? लाइफ टाइम टीवी और मैं ना भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देखे इसकी शक्ल में करा दिया। कैंपस के